पुल्ले सिरात, जहन्नुम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल। बिलाशुबा हम सब इस पुल को पार करेंगे, जो बाल बराबर बारीक और तलवार की धार जितना तेज है। कोई भी पुल इस सिरात को उस वक्त तक पार ना कर सकेगा जब तक वो सवालात के 7 मरहलों से ना गुजर जाए। 7 सवालात, 7 मुख्तलिफ पड़ाव पर। ये 7 सवालात क्या हैं? क्या आप इनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल्ले सिरात को यूं बयान फरमाया, पुल्ले सिरात को पार करने का इन्हसार हर एक के अमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। ये जहन्नुम का एक पुल है जो के बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। इसमें कांटे और बेड़ियां हैं जो उनको गिरफ्त में लेंगे जिसे अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इस पर से पलक झपकते गुजर जाएंगे, जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह या आली नसब घोड़ों और सवारियों पर। फरिश्ते पुकारेंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहां ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी ना आएगी, और ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे, जबकि दूसरे रींग कर इस सफर का इख्तिताम करेंगे। जैसा कि कुरान मजीद की सूरा 79 आयत 6 में दर्ज है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफा सूअर फूंकेंगे, और पहली दफा सूअर फूंकने पर सिवाय उनके जिसे अल्लाह सुबहानो ताला चाहे, जमीन और आसमानों की हर चीज उसकी हैबत से लरज उठेगी और उसके साथ ही कयामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफा सुअर फूंकने पर सब दोबारा जिंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे, ताकि मैदान हशर में जमा हो जाएं, रोजे महशर का मकाम। जो लोग इस खौफनाक कयामत में दोबारा उठाए जाएंगे, उनको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरान मजीद की आयात में बताया गया है, दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, और अगर अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा तो ये जहन्नुम के अजाब की वईद है। जमीन पर हमारे साथ करामुन कातबीन के नाम से 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं, लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामे के हवाले से सूरह कहफ की आयत नंबर 49 में बताया गया है, और उनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा, फिर तू मुजरिमों को देखेगा, उस चीज से डरने वाले होंगे जो उसमें है, और कहेंगे अफसोस हम पर, ये कैसा अमाल नामा है कि उसने कोई छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी, मगर सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोजे महशर अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफा अमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है, एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज है, एक ऐसा पड़ाव जिसे बगैर किसी इस्तिस्ना के सबको पार करना है। ये पड़ाव पुल्ले सिरात है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर से गुजर ना हो, ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक सिराज जहन्नुम के ऊपर एक सीधा रास्ता है, हर कोई इस पर से गुजरेगा।
ईमान वाले इस पर से अपने अमाल के मुताबिक तेजी से या आहिस्तगी से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुल सिरात को अबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम होंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इस पर से गुजरेंगे। लिहाजा पुल सिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा? पुल सिरात पर हर एक से उसकी जिंदगी के अच्छे अमाल और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि पुल सिरात को 7 मरहलों पर सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। 7 पड़ाव के 7 सवालात। पहले पड़ाव पर जो पहला सवाल होगा वो हमारे ईमान के बारे में है। अगर हमारा ईमान कामिल है तो हम बआसानी पहले मरहले से गुजर जाएंगे, लेकिन काफिर पहले ही मरहले में जहन्नुम में जा गिरेंगे। हम जानते हैं कि उन लोगों का आखिरी ठिकाना जहन्नुम है, जिनको ईमान लाने का मौका दिया गया लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। खुदा ने अपनी पाक सिफात और नेक बंदों के जरिए अपना तारुफ करवाया, तो जो ईमान नहीं लाए बिलाखिर उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। और जहन्नुम इतनी बेरहम होगी कि जब उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम भर गई हो, तो ये चिल्लाकर कहेगी, क्या और नहीं है। दूसरे लफ्जों में उस दिन तमाम काफिर जहन्नुम में झोंकने के बाद भी कोई चीज उसका पेट नहीं भर सकेगी। लेकिन डरे मत, अगर आप ईमान लाए और आपने नेक अमाल किए तो आपको रोजे महशर की सख्तियों से पलक झपकते ही छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में सही सलामत रहे। अगर आप ईमान लाए लेकिन खुद को बचाने के लिए अच्छे अमाल जमा नहीं किए, तब भी आपके पास मौका है, वरना आपके गुनाह कांटे बनकर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इन कांटों से पीछा छुड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो जहन्नुम की आग आपको निकलने की मुंतजिर होगी। जैसा कि सूरह मरियम की आयत नंबर 72 में दर्ज है, फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो अल्लाह सुबहान तआला से डरते हैं और जालिमों को इसमें घुटनों पर गिरे हुए छोड़ देंगे। आइए इस पर बात करें कि हम इस पुल को कैसे पार करेंगे, जहां जहन्नुम अपनी तमाम तर होलनाकियों और दहशत के साथ हमारे कदमों तले होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस पर नजर ना पड़े और हमारी तवज्जो अपने रास्ते पर मरकूस रहे। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे, एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों पर पछताएंगे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो जहन्नुम में जा गिरेंगे। वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो इस दुनिया में रहते हुए आखरत की फिक्र करते थे, और वही होंगे जो इस पुल को तेजी से बगैर किसी तकलीफ के पार कर लेंगे। पहले सवाल के जवाब में कामयाबी के बाद हम वहां पहुंचेंगे जहां दूसरा सवाल पूछा जाएगा। हमसे यहां नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ईमान के बाद दीन इस्लाम का सबसे अहम सतून और इसके बुनियादी अरकान में से एक है। आपकी नमाजें जितनी मुकम्मल और खालिस होंगी आपका हिसाब उतना ही आसान होगा, लेकिन अगर आपकी नमाज सही नहीं है तो शायद आपके अकीदे की इमारत गिर जाएगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसको तर्क किया बस उसने पूरे दीन को मुनहदम किया। अगर हम जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं तो हमें यकीनी तौर पर अपनी नमाजें एक इमारत के मजबूत सतून की तरह कायम करनी होंगी। अगर हम जमीन पर सुई के नाके से भी जहन्नम की आग देख लें तो सजदे से सर नहीं उठाएंगे। ठीक है, हमारा ईमान मजबूत है और हमारी नमाजें भी दुरुस्त हैं। अब हम तीसरे मरहले में दाखिल होंगे। अगर हमने दुनिया में खुदा के माल को उसकी हदायात के मुताबिक खर्च नहीं किया तो अगला सवाल हमारे लिए परेशान कुन होगा, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहां खर्च किया
और किसके साथ बांटा? क्या हमने ज़कात अदा की? हमसे सवाल होगा, इस बारे में गौर कीजिए। आपने जिंदगी इस ख्याल के तहत गुजारी कि खालिक का अता करदा माल आपका अपना है और ज़कात जिसका हुक्म खुदा ने बांटने के लिए दिया, आपने इसे मुस्तहकीन को देने के बजाय उनसे छुपाने को तरजीह दी। हमें ऐसी सूरत हाल से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अगर हम अपना माल छुपाएंगे तो जन्नत भी हमसे छुप जाएगी। अगर हमने अपना माल खुदा की हदायत के मुताबिक कमाया और खर्च किया तो अगले पड़ाव पर हमसे रोजे के बारे में सवाल किया जाएगा, जो कि हम पर इसी तरह फर्ज हैं जिस तरह पिछली उम्मतों पर फर्ज थे। अगर हम इस पूछ कूछ के दौरान काश जैसा लफ्ज अदा नहीं करना चाहते तो हम पर लाजिम है कि माजी में हीलों बहानों से जो रोजे छोड़े हैं उनकी कजा अदा करें। इसके बाद हम पांचवें पड़ाव पर होंगे। इस पड़ाव पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप माली मसाइल की वजह से हज नहीं कर सकते तो माली इस्तेहकाम के बाद जिंदगी में एक दफा जरूर हज करें। अगर हम इस्तेताअत होने के बावजूद हज अदा नहीं करते और बहाने बनाते हैं तो हम संगीन नताइज का सामना कर सकते हैं। छठे पड़ाव पर हम इस मौजू की तरफ आएंगे जो बिना इस्तेसना के हर किसी से मुतल्लिक है। ये मौजू हकूक लिबाद और सिला रहमी है। हम हमेशा दूसरों का हक गजब करके उनके हकूक नजरअंदाज करते हैं। ताहम बहुत सी चीजें लोगों के हकूक में शुमार होती हैं। बाज़ुकात हम ऐसा ला इल्मी में करते हैं, बाज़ुकात हम जानबूझकर ऐसा करते हैं ये समझ कर के कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम ये जाने बगैर कि आया ये सच है या नहीं किसी के बारे में बातें फैलाते हैं, लिहाजा हम आसानी से बोहतान या गीबत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे दीन में खानदान और रिश्तेदारों का तसव्वुर बहुत अहम है, लिहाजा इसको बहुत अहमियत देनी चाहिए। ताहम हो सकता है कि हम अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ हमेशा ना रहें, हमें उनके कुछ रवैये नापसंद हों, लेकिन हमें उनसे मुकम्मल कता ताल्लुक नहीं करना चाहिए। आइए सहाबा कराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन की हयात पर नजर डालें। चंद सहाबियों के वालिदैन मुसलमान ना थे लेकिन उन्होंने फिर भी अपने वालिदैन को खुश करने की कोशिश की, सिवाय उन मामलात के जिनसे खुदा ने मना किया था। जब हम उन तमाम मराहिल से गुजर जाएंगे तो हमसे तहारत यानी गुसल का सवाल होगा। अगर हम पिछले 6 सवालों में कामयाब रहे खुदा के फजल से हम उन लोगों में शामिल होंगे जो सफाई को तरजीह देते हैं। अगर हम तहारत का ख्याल ना रखते तो पिछले सवालात में कामयाबी भी मुमकिन ना होती। इन तमाम सवालात के बाद जहन्नुम अपने हकदारों को ले लेगी और जन्नत खुदा से अपने रिहाइशों का सवाल करेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बहुत से लोगों को पुल सिरात का पता भी ना चलेगा और वो फरिश्तों से इस बारे में पूछेंगे कि वो जहन्नुम और पुल सिरात कहाँ हैं, क्या हमने इसे अबूर कर लिया? फरिश्ते जवाब देंगे कि तुम जहन्नुम के ऊपर इस पुल को पार कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अमाल के नूर की वजह से जहन्नुम की आग बुझ गई और ढांप दी गई। कहा जाता है जहन्नुम की आग मोमिनीन से कहेगी, ए मोमिनो मेरे ऊपर से तेजी से गुजरो क्योंकि तुम्हारे अमाल का नूर मेरी आग को बुझाता है। खुदा की मर्जी होगी तो हमें जन्नत बतौर इनाम मिल जाएगी, जो कि सफर के इख्तिताम पर एक खूबसूरत जगह है, ऐसी खूबसूरत कि किसी आंख ने ना देखी, किसी कान ने ना सुनी, कोई इंसान ख्वाब में भी जन्नत की खूबसूरती का तसव्वुर नहीं कर सकता। नेक अमाल के साथ जिंदगी गुजारना इतना भी मुश्किल नहीं है। हमें जमाने आखिर के खुशगवार हथकंडों से बचने के लिए कुछ खास इकदाम करने की जरूरत है। याद रखिए कि हमने जितनी बातें कही सब दुरुस्त हैं और लाजमन वकू पजीर होंगी। तो क्या दुनिया में आरजी जिंदगी के लिए आखरत तबाह करना जरूरी है? ठीक है, आपको किसकी ज्यादा फिक्र है, दुनिया के आरजी पुल की या
उस पुल की जो अब्दियत की तरफ लेकर जाता है। अस्सलामु अलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशुमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं, लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टूवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने।